बिल्ली, मूर्ख कुत्ता और चालाक बंदर। रात का समय था। बिल्ली दबे पाँव खिड़की से घर के अंदर आती है। बिल्ली किचन की ओर बढ़ती है कि तभी सीमा नाम की औरत उस पर बड़ी सी टोकरी डालती है और खुद टोकरी के ऊपर बैठ जाती है। आज पकड़ में आ गई तू, दूध चोर बिल्ली। रोज मेरे घर का दूध पी जाती थी, आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना नानी याद आ जाएगी। सीमा आंटी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। अरे क्या तूने मुझे आंटी कहा? अब तो तुझे डबल सजा मिलेगी। अरे नहीं नहीं, जबान फिसल गई दीदी, आप तो बहुत सुंदर हो और आप आंटी के जैसे भी नहीं दिखते, प्लीज मुझे छोड़ दो ना दीदी। ठीक है ठीक है, आज तुझे छोड़ रही हूँ, पर अगर कल गांव में दिखाई दी ना तो देख फिर। सीमा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और वो बिल्ली को छोड़ देती है। बिल्ली वहाँ से जो भागती है तो गांव के पास वाले जंगल आकर ही रुक जाती है। अच्छा हो गया जो मेरा दिमाग समय पर चला और सीमा आंटी की तारीफ कर दी, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं थी। बिल्ली जंगल में ही रहने का ठान लेती है, पर बिल्ली को जंगल का खाना पसंद नहीं आ रहा था। उसे गांव की रोटी और दूध की याद आती रहती थी। उस दिन बिल्ली बड़ी परेशान थी, तब उसे मोती नाम का कुत्ता मिलता है। क्या हुआ बिल्ली, तुम मुझे परेशान दिख रही हो, अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी परेशानी दूर करने में तो बताओ मुझे। तब बिल्ली मन ही मन सोचती है, अरे ये मोती तो मूर्ख है, मुझे इसकी मूर्खता का फायदा उठाना चाहिए। चलो इसे मैं अपनी दुख भरी दास्ता सुनाती हूँ। ऐसा सोचकर बिल्ली मोती से कहती है, अरे मोती क्या बताऊ तुझे, बिना खाना खाए मैं कमजोर होती जा रही हूँ, मैं ठहरी गांव में रहने वाली, अब तुम ही बताओ मुझे जंगल का खाना कैसे रास आएगा भला, लगता है मैं बिना खाने के ही मर जाऊंगी। अरे ऐसा मत कहो बिल्ली, हम जंगल में रहने वाले जानवर अपने साथी जानवर को ऐसे नहीं मरने देते, तुम घबराओ मत, तुम्हारे खाने का बंदोबस्त मैं करता हूँ। धन्यवाद मोती, पर हाँ गांव में ना सीमा आंटी के घर ही जाना, उनके घर की रोटी बहुत ही मुलायम रहती है और दूध भी मीठा रहता है, तुम जैसा दोस्त पाकर मैं तो धन्य हो गई। मोती बिल्ली की बातों में आकर गांव आता है। वो बराबर सीमा आंटी का घर ढूंढ लेता है और उनके घर से रोटी चुरा लेता है। किसी की नजर ना पड़े इससे पहले वो जंगल भाग कर आता है, बिल्ली को रोटी देता है। बिल्ली मस्त मजे में रोटी खाती है और कहती है, मोती रोटी खाकर बड़ा अच्छा लग रहा है, पर इसके साथ अगर दूध होता तो और मजा आता। बिल्ली ऐसे कहते हुए लंबी सांस लेती है। तब मोती को लगता है कि बिल्ली अभी भी खुश नहीं हुई, तब वो बिल्ली के लिए दूध चुरा कर लाता है। अब ऐसे ही बिल्ली बेचारी बनने का नाटक करती और मोती उसे खुश करने के लिए गांव में चोरी करने लगता है। एक दिन सीमा मोती को देख लेती है, तब सीमा मोती को लकड़ी से पीटती है। बेचारा मोती बेवजह मार खाकर जंगल आता है। मोती दर्द में था कि तभी बिल्ली आती है और मोती से कहती है, अरे क्या हुआ मोती, आज रोटी क्यों नहीं लाया? देख मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर तुमने मेरे लिए रोटी नहीं लाई ना तो हमारी दोस्ती खत्म समझो। बिल्ली तो मोती के जख्म को भी देखती नहीं, उसका हालचाल तक नहीं पूछती, बस अपना हुक्म छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर सुन लेता है, उसे मोती के लिए बहुत बुरा लगता है। वो मोती के पास आता है और कहता है, अरे मोती आखिर तुम इतने पीट कर कहां से आए हो, तुमने क्या गुनाह किया? अरे बंदर, मैंने ना गांव में जाकर रोटी और दूध की चोरी की, पर वो मेरे लिए नहीं बल्कि बिल्ली के लिए। क्या तुमने उस स्वार्थी बिल्ली के लिए चोरी की? अरे वो बिल्ली तुझे बेवकूफ बनाती आई है, देखा नहीं तुम्हारे दर्द को कैसे अनदेखा कर दिया उसने, अगर सच्ची दोस्त होती ना वो तो वो तुम्हारा हालचाल पूछती, उसे गांव से भी इसी वजह से हकाल दिया था।
ये सब सुनकर बेचारा मोती उदास हो जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर बंदर कहता है, अरे तुम उदास मत हो, बिल्ली को सबक सिखाकर सुधारना होगा, तब जाके तुम अच्छे दोस्त बन जाओगे, ठीक है ना? तब बंदर एक मिट्टी का मटका लाता है जिसका मुंह छोटा था। उसमें वो दूध डालता है और उसे लेकर बिल्ली के पास आता है और कहता है, अरे बिल्ली ये लो दूध, ये दूध मोती ने दिया है तुम्हारे लिए। बिल्ली बड़ी खुश हो जाती है और दूध पीने के लिए मटके के अंदर अपना मुंह डालती है, पर उसका मुंह मटके में फंस जाता है। वो अपना मुंह बाहर निकालने के लिए छटपटा रही थी। अब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अरे बंदर ये कैसा मजाक है, अरे ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, अरे तुझे कोई परवाह है कि नहीं? तुझे कहां परवाह है मोती की, दोस्ती तो तुमने कर ली मोती से, पर दोस्ती मोती ही निभाता आया है तुमसे, तुम नहीं, अब मरो ऐसे ही, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तब बिल्ली को उसकी गलती का एहसास होता है, वो माफी मांगने लगती है। तभी वहाँ मोती आता है और बंदर से कहता है, बंदर मेरे दोस्त को सबक मिल गया, अब उसे बाहर निकालो प्लीज। तब बंदर माटी के मटके को फोड़ देता है और बिल्ली का मुंह आजाद हो जाता है। बिल्ली मोती से माफी मांगती है, मोती भी उसे माफ कर देता है। इस तरह से चालाक बंदर ने बिल्ली को अच्छा सबक सिखाया। अब मोती और बिल्ली दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनकर जंगल में खुशी से रहने लगते हैं। नीति, अपने फायदे के लिए अपने दोस्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शेर और खरगोश। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे, सब मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहते थे। उस जंगल का कोई राजा नहीं था, जानवर ही आपस में अपनी समस्याओं को सुलझा लेते थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन एक खूंखार शेर जंगल में आता है। शेर को देखते ही सारे जानवर डर के मारे इधर उधर अपनी जान बचाकर भागते हैं। अरे भागो भागो, जंगल में खूंखार शेर आया है, सब अपनी जान बचाकर भागो। हाँ हाँ भागो भागो, अगर हम उसकी नजर में आ गए तो पता नहीं वो किसकी गर्दन दबोच ले। यूं सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जोर जोर से हंसते हुए बोला, भागो भागो, तुम जैसे कमजोर जानवरों को मारने में मुझे बड़ा मजा आता है। यूं वो शेर अपना पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपने मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार कर रहा था। शेर की दहशत से सारे जानवर काफी डरे और सहमे हुए थे। कई सारे जानवर जंगल छोड़कर जाने की ठान लेते हैं। ये देखकर हाथी जानवरों की एक सभा बुलाता है। सारे जानवर शेर से छुपकर उस सभा में इकट्ठा होते हैं। अरे हाथी बहन, इस शेर ने तो नाक में दम कर रखा, आजकल जंगल में घूमना ही मुश्किल हो गया है। अरे घूमने की बात तो दूर ही है, बच्चों के लिए भोजन ढूंढने जाना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। क्या पता कब कहां से वो जालिम शेर हमारा गला दबोच ले। यूं सारे जानवर एक के बाद एक एक दूसरे से अपनी समस्या बताने लगे। हाँ हाँ, सबकी एक ही समस्या है और वो है वो दुष्ट शेर। अगर वो ऐसे ही हमारा शिकार करता रहा तो एक दिन ये सारा जंगल वीरान हो जाएगा, हम में से कोई भी जानवर जिंदा नहीं बचेगा। तो फिर इस समस्या का क्या हल है, क्या हम ये जंगल छोड़कर चले जाएं? जंगल छोड़कर जाना समस्या का हल नहीं है, हम सबको जाकर उस शेर से बात करनी होगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर सारे जानवर शेर के पास जाते। शेर महाराज की जय। बाकी सारे जानवर भी लोमड़ी के साथ साथ शेर की जय जयकार करने लगते। सारे जानवरों को एक साथ देखकर शेर चौंक जाता है। अरे तुम सब यहाँ, और ये क्या तुम मुझे महाराज कहकर बुला रहे हो? महाराज शेर ही जंगल का राजा होता है, आपके बिना ये हमारा जंगल तो अधूरा ही था। शेर जानवरों की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है, मैं इस जंगल का राजा बनने के लिए तैयार हूँ, पर तुम लोग ये मत समझना कि मैं राजा बनने के बाद तुम लोगों का शिकार नहीं करूँगा, समझे? जी महाराज, पर महाराज हमारी एक विनती है। क्या है बताओ? महाराज अगर आप ऐसे ही हमारा शिकार करते रहोगे तो बहुत जल्द सारा जंगल वीरान हो जाएगा,
फिर आपको महाराज कहकर बुलाने वाला कोई नहीं होगा। ओ, मतलब क्या है तुम्हारा? महाराज, आज से रोज एक जानवर हम आपके पास भेज दिया करेंगे जो आपका भोजन बनेगा। इससे आपको भोजन की भी समस्या नहीं होगी और आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर को जानवरों का ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने अपने मन में कहा, अरे वाह, ये जानवर खुद ब खुद ही मेरे पास शिकार बनने के लिए आ रहे, तो भला मैं क्यों मना करूं? मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं इनका प्रस्ताव मान लेता हूँ। ठीक है, मुझे तुम लोगों का प्रस्ताव मंजूर है, पर याद रखना, अगर कोई गलती हुई तो सब एक साथ मारे जाओगे। उस दिन से रोज एक जानवर शेर का शिकार बनता गया। दिन बीत गए, आज खरगोश की बारी थी शेर का शिकार बनने की। खरगोश बहुत ही होशियार था। वो शेर के पास जाने के लिए जानबूझकर देरी करने लगा। कभी वो जंगल में इधर उधर घूमता तो कभी गाजर के खेत के पास खड़ा होकर गाजर खाने लगता। यूं करते करते वो नियमित समय पर ना जाते हुए जानबूझकर देरी से गया, जिसकी वजह से शेर को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से दहाड़ मारते हुए बोला, तुम जानवरों की मजाल की इतनी देरी कर दी और ऊपर से तुझे भेज दिया, तुझे खाकर मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। खरगोश डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज क्षमा करें, इसमें हम जानवरों की कोई गलती नहीं है। मेरे साथ पूरे 20 खरगोश आपका भोजन बनने के लिए आ रहे थे, पर क्या पर लगा रखा है? कहाँ है बाकी के खरगोश? खरगोश डरते हुए बोला, महाराज जंगल में एक और शेर आया है, उसने हमारा रास्ता रोका और एक एक करके मेरे सारे साथियों को खाने लगा। हम उसे कहते रहे कि हमें महाराज के पास जाना, पर वो कहने लगा कि इस जंगल का राजा मैं हूँ, आप नहीं। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया। क्या, एक और शेर? और उसकी ये मजाल कि वो मेरा भोजन खा गया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बताओ कहाँ है वो? खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले जाता है। महाराज ये देखिए, वो दुष्ट इसी कुएं में छुपा बैठा है। शेर गुस्से से दहाड़ मारते हुए कुएं में देखता है और वो अपनी ही परछाई को देखकर दूसरा शेर समझ बैठता है और बिना आगे पीछे सोचे दूसरे शेर को मारने के लिए वो कुएं में छलांग मार देता है। अरे मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बाहर निकालो। शेर कुएं से बाहर नहीं निकल पाता और डूबकर मर जाता है। जब ये बातें जानवरों को पता चलती है तो वो सब खरगोश की खूब प्रशंसा करते और उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे खरगोश, आज तुमने ये साबित कर दिया कि बुद्धि के बल पर बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। और फिर जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं।